आज के इस वीडियो में हम आपको MPG 2 सेट-टॉप बॉक्स में किस तरीके से आप अपना खुद का लोगो लगा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा MPG 2 सेट-टॉप बॉक्स है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसे हम ऑफ करके ऑन कर देते हैं, आपको यहाँ पर इसका लोगो हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉक्स को ऑफ किया, ये हमने बॉक्स को ऑन किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेलबर्न का सट्टा बॉक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं MPG 2 सट्टा बॉक्स है और इसी को ही हम अपना खुद का लोगो चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो YouTube पर पहली बार हम अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है हमारी ये वीडियो देखकर और भी कोई यूट्यूबर अपलोड कर दे। तो ऐसी और अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम इसका बूट लोगो यानी कि स्टार्टअप लोगो चेंज करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से अपना खुद का लोगो आपको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन नजर आ रहा है और साथ ही हमारा MPG 2 सेटअप बॉक्स नजर आ रहा है, जैसे कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है। दोस्तों इस फोल्डर में आपको यहाँ पर कुछ फाइल नजर आ रही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से एक लोडर का फाइल है दोस्तों, जो कि एप्लीकेशन है, और यहाँ पर एक लोगो चेंजर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लैश फाइल है, और उसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हम इस बॉक्स में लोगो चेंज करने वाले हैं, जो कि हमारे चैनल के नाम से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमने लोगो बनाया है और यहाँ पर इसी लोगो को हम अपने MPG 2 सेटअप बॉक्स में लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से लगता है हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो प्रोसेस हो रही है दोस्तों RS232 से हो रही है, और यहाँ पर RS232 केबल कनेक्शन आपको पता नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो प्रोसेस है कम्प्लीट हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट वन है, पार्ट टू में इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी किस तरीके से हमने इसका लोगो चेंज किया क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिलहाल में आपको सिंपल तरीके से एक लोगो चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो कि ये लोडर है, तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर से हम ब्राउज करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो MPG 2 सेटअप बॉक्स का फाइल है यहाँ पर हम ब्राउज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक हमारे लोगो का यहाँ पर हमने बिन फाइल यानी कि फ्लैश फाइल बनाया। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं DS MPG 2 ए नाम से आपको एक फ्लैश फाइल मिल जाएगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ओपन किया आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपग्रेड टाइप में आपको यहाँ पर ऑल कोड बूट लोडर, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों लोगो। आप यहां पर देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन है लोगो, तो यहां पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। यहां पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है दोस्तों, सीरियल पोर्ट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहां पर हमने सीरियल पोर्ट कॉम को 3 सेलेक्ट किया है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर हम अपग्रेड रखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी प्रोसेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बॉक्स को ऑफ करके ऑन करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक बार बॉक्स को ऑफ करके ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने बॉक्स को ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों हमने बॉक्स को ऑन कर दिया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते। जैसे ही हमने ऑन किया दोस्तों यहाँ पर चेक सीरियल पोर्ट स्टेटस डन यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर हमारा फाइल जो है यहाँ पर ले रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डाउनलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पर 100% इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वार्निंग का मैसेज आएगा, क्लिक नेक्स्ट टू स्टार्ट बर्निंग, ओल्ड डाटा विल बी लॉस्ट, यानी कि दोस्तों आपका ओल्ड डाटा जो है यहाँ से इरेज हो जाएगा,
और आपका जो नया डाटा है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट का प्रोसेस करना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बटन हम जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारे जो मोबाइल का टॉर्च था यहाँ पर ऑफ हो चुका है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन को क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट बर्निंग डू नॉट पावर ऑफ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका बॉक्स का पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फ्लैश ऐसे खराब हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुका है और इसे हम कर लेते हैं क्लोज। और यहाँ पर से हम चलते हैं अब अपने टीवी स्क्रीन की तरफ और हम आपको दिखा देते हैं कि ये पूरी तरीके से लोगो चेंज हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल रियल वीडियो है दोस्तों, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। अगर इस वीडियो को देखकर कोई फेक बोलता है तो ये उसकी गलती है, उसको समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों टीवी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपने टीवी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर हमने बॉक्स को अपने टीवी स्क्रीन से अटैच कर दिया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल में हम यहाँ पर बॉक्स को ऑफ करके ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए लोगो, तो यहाँ पर हमने बॉक्स को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर से हम बॉक्स को ऑन कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है दोस्तों हमने अपने बॉक्स का MPG2 सेट टॉप बॉक्स का लोगो चेंज करके आपको दिखाया है। तो इसकी पूरी जानकारी जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें कॉल कीजिए। नहीं तो दोस्तों आप जो है दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उस वीडियो में हम आपको सारी प्रोसेस एक एक डिटेल आपको यहाँ पर हम शेयर करेंगे। हो सकता है दोस्तों आप में से कोई यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा होगा और जिसका यूट्यूब चैनल है दोस्तों डिश सेटअप बॉक्स से रिलेटेड, तो वो भी ये वीडियो देखकर हमारी वीडियो की कॉपी करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी आदमी सबसे पहले यहाँ पर वीडियो बनाता है उसको ही क्रेडिट मिलना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसका कॉपी करके यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हमने आपको MPG2 सेट टॉप बॉक्स का लोगो किस तरीके से चेंज करके हमने आपको दिखाया है दोस्तों, आपने देख ही लिया है दोस्तों। तो इस तरीके का अगर कोई दूसरा वीडियो आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।